मेरा नाम जिज्ञासा वर्मा है। जिज्ञासा जी, कल आपके साथ मारपीट की घटना हुई, क्या कुछ घटना का जानकारी? भैया कल माहौल कष्ट माहौल होने वाला था, हमारी दुआ प्रार्थना होने वाली थी। उसी तरह सूचना मिली कि बजरंग दल के लोगों ने अटैक किया है चर्च पे गए के। फिर हम धीरे धीरे करके हम वहाँ से निकलने लगे, क्योंकि उनकी हम स्थिति जानते हो किस तरीके से हम करते हैं हमारे साथ। तो हम निकले लास्ट में, हम और मेरी फैमिली बची हुई थी। तो मैं अपनी फैमिली को कार के माध्यम से भेज दी। उसके पीछे हनुमान जी का स्टिकर लगा हुआ था। मैं पिछले 4 सालों से अपनी छोटी सी गवाही यहाँ पे देना चाहूंगी। मैं पिछले 4 सालों से मैं बिस्तर में थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं मरने के योग्य हो गई थी। लेकिन जब मैंने परमेश्वर को जाना और मेरे लिए जब प्रार्थना दुआ हुआ, तो मैं प्रभु के लिए मेरी श्रद्धा बढ़ी। मैं हिंदू फैमिली से हूँ, मैं आज भी वर्मा लिखती हूँ। कोई धर्मांतरण नहीं, कोई बत्तीसवा नहीं, कोई किसी को ये क्या बोलते हैं जो बोलते ना धर्म परिवर्तन। मेरा सिर्फ आत्मा बदला, मेरा जीवन बदला, मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। ना मेरे आत्मिक पिता ने, ना उनके लोगों ने किसी को कभी फोर्स किया बत्तीसवा के लिए। मैं बहुत से उसमें घूमी, बहुत से चर्चेस में गई, लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा कि तुम बत्तीसवा लो। हाँ, एक एक लगाया गया है कि ये लोग पैसा दे के धर्मांतरण करवाते हैं। अगर तुम्हारी ये सोच है कि हिंदुओं को ईसाई बनाया जाता है, तो तुम भी पैसे दे के हिंदू बनाओ ना फिर। हाँ, बनाओ फिर, तुम्हारे पास भी अथॉरिटी। अगर तुम्हारी सोच है, घटना हुई मेरे कार के पीछे की स्टिकर वो देखे, कार को ठोकने की कोशिश की, जिस कार को मारने की कोशिश की है वो जब पड़ के। मैं अपनी फैमिली को जैसे जैसे भेजी, फिर मुझसे सवाल जवाब किया गया, जब तुम ये स्टिकर क्यों लगाई हनुमान जी का, तुम इसको निकाल के फेंक दो, ये कर दो, वो कर दो बोले। मैंने कहा देखो भैया, ऐसा कुछ नहीं कि हम यहाँ आते तो मसीह बन गए हैं, मेरा जीवन बदला है। आज मेरे घर वाले लोग पूजा पाठ करते, मैं प्रभु को मानती हूँ, क्योंकि बचाने वाला मेरा जिंदा खुदा है। तो मैं उसको मानूंगी जिसने मेरा जीवन दिया, मेरे को जीवन जीवन दिया है ना, मैं अपने जिंदा परमेश्वर को मानूंगी। तो मैंने ये बात रखी, फिर जितने जवान थे मुझ पे लग गए, प्रभु को गंदी गंदी चीजें बोले, हाले का मजाक उड़ाया उन्होंने। उसके बाद वो ज्योति शर्मा बीच में से घुस के आई, फिर मेरे ऊपर चढ़ के बोलती है कि मेरे लोगों को तूने क्या बोला मुझसे बात कर, तुम मेरे दिमाग में आया कि इनके बच्चे नहीं लपाए, तो अपनी अम्मा को बुला के ला लिए। फिर वो चढ़ने लग गई मेरे ऊपर, झगड़ा करने लग गई। फिर मुझे बोलती है चप्पल उठा के मारूंगी क्या। फिर हमारा बहस हुआ, मैं बोली आंटी मैं क्या गलत बोली आपको, मैंने बस बताया कि ये बात है आंटी, मेरा जीवन बदला है। मैं बहुत तकलीफ में थी, दर्दों में थी, दर दर भटकी, मैं डॉक्टरों के दर पे गई, सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि कुछ नहीं हो सकता तुम्हारी जिंदगी का, लेकिन मेरे परमेश्वर ने, मेरे ईश्वर नासरी ने मुझे बचाया, मुझे नया जीवन दिया, इसलिए मैंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया। मैं आज भी वर्मा हूँ, मैं आज भी हिंदू, मैं दंगे के छोर में बोलती हूँ, आज भी मैं जिज्ञासा वर्मा ही लिखती हूँ, मेरे घर में पूजा पाठ होता है, बस मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है। ये सारी बातें हुई, आंटी मुझ पे चढ़ने लगी। पीछे से अंकल थे, मुझे नहीं पता उनका नाम, नहीं पता, राकेश शिंदे का नाम जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि वो चर्च में घुसे थे तोड़ फोड़ करने के लिए, जब अंदर थे तब वो एंटर किए थे। उसके बाद वो अंकल पीछे से बोलते हैं, परमेश्वर का मजाक उड़ा के बोलते हैं कि हमको भी ठीक करो, अपने ईशु को यहाँ पे बुलाओ बोले। तो मैंने कहा अंकल आप भी श्रद्धा के साथ परमेश्वर के भवन में आइए, प्रभु आपको भी ठीक करेंगे। उसके बाद वो आंटी, जब मेरे को पुलिस प्रशासन के लिए एक चीज बोलना जरूर मैं चाहूंगी, क्योंकि वहाँ भी उस औरत को नहीं रोक रहे थे वो लोग, उस जवान लड़कों को नहीं रोक रहे थे जो मुझ पे चढ़े जा रहे थे, पुलिस वाले मुझे हटा रहे थे वहाँ से, मुझे धक्का देके हटा रहे थे, वो सारी के सारे मुझ पे चढ़े जा रहे थे मुझे मारने के लिए। फिर मैंने जब पीछे मुझे सरकाया गया, तो वो आंटी मुझे बेल्ट और डंडे लेके मारने के लिए दौड़ाई, मेरे को कंटिन्यू मेरे को अग्रसेन चौक तक दौड़ाते गई। मैं ऑटो के माध्यम से वहाँ जैसे जैसे मैं निकली, मुझे मारने की धमकी भी दी वो। आज मैं अगर एक चीज मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगी, परमेश्वर ने ये मौका मुझे दिया है, वो धर्म के नाम में इतना इतना दंगेबाजी करती है। मैं उसी हिंदू धर्म पे आज सवाल करना चाहती हूँ कि हिंदू धर्म में भी छोटी बच्चियों का रेप किया जाता है, छोटी औरतों का रेप किया जाता है, तो वो कहाँ रहती है धर्म की ठेकेदार, तब क्यों सामने नहीं आती वो, तब क्यों कुछ नहीं करती वो। लेकिन हाँ, जहाँ पता चला यहाँ परमेश्वर का आराधना हो रहा है, पहुँच जाएगी मारने पीटने। मुझे एक चीज पूछना पुलिस प्रशासन से और सरकार से भी, मुकेश सका से पूछना है, सका इतने सरकार बनाए थे आपको हम, हाँ कि कोई आप कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं भाई, बस मसीहों पे सताओ, मसीहों पे सताओ। और बस ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि ये धर्मांतरण करवाते हैं, पैसा देके धर्मांतरण करवाते हैं। पहले सच्चाई पता करिए, चर्च आइए, बैठे वचन सुनिए, तो पता चलेगा आपको सच्चाई है ना। उसके बाद वो आंटी घंटी में मेरे पीछे लगी थी, उसके बाकी चिल्ला चपाटी ये भी बोलने लगे मुझे कि ये वो लीडर है, उसको मारो, उसको मारो। मुझे एक चीज समझ नहीं आया वहाँ पे, मेरी क्या गलती थी, मैं क्या गलत काम की, या चर्च में कौन सा गलत काम या गुनाह हो रहा था वहाँ पे। मैंने तो बस प्रभु को माना, अपना जीवन दिया, जिसने मुझे बचाया उसको मैंने माना, मैंने क्या गलत किया, क्यों सरकार कुछ
कुछ नहीं करती ऐसे लोगों के खिलाफ। विशेषकर ज्योति शर्मा के लिए बोलना चाहूंगी, उस औरत को पुलिस आंट की तरह क्यों छोड़ दिया गया है। मैं ज्योति वर्मा से सवाल करना चाहूंगी, उस औरत को पुलिस आंट की तरह क्यों छोड़ दिया गया है कि जहां भी जाती है सर घुटा के आ जाती है, डंडा उठा के मारेगी, पैर उठा के मारेगी, गंदी गंदी गालियां देंगी। और सर्वप्रथम पहले बोलते हैं ना कि